magnanimous. Be detached, be magnanimous. Lift up your mind and enjoy the fruit of Brahmanic freedom. Saraswati Mahabhage, Vidyam Kavale Lochane, Vidyarupe Vishal Lakshi, Vidyam Dehi Namostute. O Lotus, I Mother Saraswati, kindly blessed us with knowledge and humility. Like every other auspicious occasion, let's start this event by offering our prayer to Ma Saraswati and conduct our customary lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the embodiment of knowledge. He Chinmaya Tejomaya, He Chinmaya Uzaniya Timirataya, Uzaniya Timirataya, Tejomaya He Chinmaya. Honors, all treasures in white, revered teachers, and of course, our startling students. How lovely is this day, and so does the ambience and aura surrounding it. Soon the color of this merriment will unfold and will transport us to the another world. Yes, dear, we all are joined together as a family to reveal the addition of another milestone of our accomplishment in the history of one of the leading group of colleges of Nagpur. We are here to celebrate our biennial cultural meet, the power of harmony. I, Shrishti Dhakre. And I, Akshat Mukund. Welcome you all on behalf of entire Raisoni family. Welcome. Now, I request Kalpana ma'am and Shoini ma'am to kindly introduce us with the concept of theme Vasudeva Kutumbakam. खुदा ने खिल खिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। कोई एक दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है। आप सब इंद्रधनुष हैं, आप सभी खुशनुमा हस्ती हैं। मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि गुणीजनों व विराजमान सम्माननीय जनप्रतिगणों का मैं कल्पना व मेरी परम मित्र शोइनी व लक्ष्मी हार्दिक स्वागत व अभिवादन करते हैं। पवन के झोंके कोई सर हद ना से रोके, सर हद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसानों के। तो दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम का मूल विषय यही है, मधुर संबंधों की शक्ति। साथियों, पंछी, नदियां और हवा अपना रुख सारा दिन देखकर नहीं मोड़ते, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं?
दोस्तों, यह हम शब्द मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हर सरहद पहले तो व्यक्ति के मस्तिष्क की ही उपज है। चार पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, अगर आपको पसंद आए तो तालियों का साज दीजिएगा। हमें नेकी बनानी थी, हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे, हदे इंसानियत की भूल कर लड़ते रहे यूं ही, हदे इंसानियत की भूल कर लड़ते रहे यूं ही, हमें इंसान बनाने थे मगर सरहद बना बैठे, हमें इंसान बनाने थे मगर सरहद बना बैठे। तालियां थोड़ी ज़ोरदार हो जाए तो मज़ा आ जाए। वाह क्या बात है, अब लगा सब लोग मौजूद हैं। सरहद पहले हमारे मस्तिष्क में ही बनती है, फिर नक्शों में, और होता यह है कि एक नदी में बहता हुआ व्यक्ति दूसरे मुल्क में पहुंच जाए तो हम उसे अपना नहीं पाते। साथियों, आज हर व्यक्ति को प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे खुद के बच्चे कल पढ़ने लिखने किस क्षेत्र में जाएंगे आज हमें नहीं पता, परंतु वहाँ रहने के लिए वहाँ जैसा वेश बोली भाषा रहन सहन उन्हें अपनाने होंगे, तो क्या हम अपनी सोच से उनके आगे बाधा उत्पन्न करेंगे? नहीं मित्रों, हमें आज का कार्यक्रम यही सीख देता है कि वसुधैव कुटुंबकम सही मायनों में एकता और अखंडता का पाठ है। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। द प्राइमरी एम ऑफ आवर बायनियल कल्चरल प्रोग्राम इज टू इनकल्केट द हैबिट ऑफ रेस्पेक्टिंग वन एंड ऑल, टू बिल्ड अप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग to a common humanity and helping learners to become responsible and active global citizens. We want to empower our students with knowledge to take active roles to face and resolve global challenges and to become proactive contributors to make a more peaceful, tolerant and secured world. साथियों, यह भारत हमारा है, अब इतनी सीमित सोच ना रखते हुए ये विश्व हमारा है, यह हमें सीखना है, यही हमें सोचना है। जिस दिन हम विश्व को अपना समझ लेंगे उस दिन हमारे किसी भी राष्ट्र में सरहद नहीं होगी। हाँ मित्रों, और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। तो आओ साथियों, हम विश्व के कल्याण की बात करें, हम सब एक रंग में रंग जाएं, हम सब एक हो जाएं। क्योंकि नसों में दौड़ता खून का जुदाना रंग रखा है, नसों में दौड़ता खून का जुदाना रंग रखा है, दिया रब ने वही नक्शा वही हर अंग रखा है, वही सूरज वही मौसम हवाएं धूप पानी दी, तो हमने सोचने का क्यों जुदा फिर ढंग रखा है, तो हमने सोचने का क्यों जुदा फिर ढंग रखा है। तो आओ हम सब एक हो जाएं और एक बार फिर से तालियों का साज देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से अपनी उपस्थिति तालियों द्वारा दिखा दीजिए। नमस्ते। थैंक यू मैम। नाउ लेट्स रिजॉइस दिस मैजेस्टिक जर्नी, लेट्स राइज अ टोस्ट टू मेक इट इवन बेटर, लेट्स टेक अ वाउ एंड बिगिन विद आवर बायनियल कल्चरल मीट। It's all matter about time to play any musical instrument.
All you have to do is to touch the right key at right time and instrument will play itself. So, let us call upon our young maestros bringing their instruments from all around this world to light up the stage on fire. Thank you.
Thank you so much, guys, for your stunning performance. You just enhanced the glory of this program. Please. I request everyone to be standing. We are beginning with the global anthem. All the parents to kindly occupy their seats. मचेगी अगर आप चाहेंगे तो बस इतना करना हर क्रम पर ताली खूब बजा दीजिए. Friends, thank you so much for being here this evening to praise this occasion and boost our confidence. As we all know, this is our annual function. My name is Akshat Mukund,
and I am here to formally introduce you all to our guest of this evening. To be very honest, we welcome our honorable chief guest of this very present evening, Srimati Kala Shiromani Meera Chandrasekharan ma'am. We welcome you, ma'am. Kala Shiromani Srimati Meera Chandrasekharan ma'am, the director of Meera Nritya Niketan, founded way back in 1974. Meera Nritya Niketan, under the able guidance of Kala Shiromani Srimati Meera Chandrasekharan ma'am, and with the blessings of the patrons, has grown into becoming almost an authority on the subject in order to fill the cultural vacuum that was required in Central India. More than 50 dance ballets, musical dance dramas have been choreographed by the Guru ma'am in various subjects, viz. mythological, historical and social different languages in Tamil, Hindi and Marathi, has been presented in different parts of the country. To name few, Srinivasa Kalama, Draupadi Vastaharanam, Urvashi Kamadhamam, Kratishtha, Ayappa Chittagaranam Krishna, and etc. Some of them have been highly appreciated by as a high dignitary as the late doctor from the President of India. We welcome you, ma'am. I request all the dignitaries to kindly occupy their seats. Please, ma'am. Good evening. Kids, parents, dignitaries, and Mrs. Jayashree Bakhe and her team, first, let me thank the Rai Sony Group for giving me the opportunity to be with you all and share my feelings. Yesterday itself, when I received this invitation card, the itself was so attractive that it was still global and it was in a circle. All the children hand to hand, it is written in power of harmony. It is really hats off to the brain. Really, it is coming from a deep heart. On seeing it, suddenly it was just like a cake. I thought it is a cake. Why? Cake kahan se la rahe bhai? To dono le, matlab, junior teachers the. But they were not telling anything, just they were holding like this. Well, kya hai ye? Madam, ye invitation? Fir main khol ke dekhi, really it was, I was stunned ho gayi main. My brother was there, he was telling, oh, cake hai kya? Arre bhai, cake nahi, cake se bhi badhkar hai, andar ja ke dekho. You know, itna acha power of army, aur children log hold kar rahe the. Really, it's a memorable, really, hats off, madam, definitely. Or this, the theme jo hai, global harmony, that itself shows the brain and the thinking of the teachers, how the teachers teach us to the children. Kyunki aaj jab first mein jab bachcho jab global ke jab kar rahe the, तबले बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, नॉट एवन ए सिंगल कि मैकेनिकली नहीं किए. एवरीवन वाज डेडिकेटिंग
अपने पेस में इतना डेडिकेशन किया एंड दे वर एंजॉइंग दैट इटसेल्फ शोज कि बच्चों के दिमाग में कितने एकता का भावना कितना अच्छा है. मतलब रियली या प्लीज क्लैप फॉर चिल्ड्रन. क्योंकि वो लोग उनको ये नहीं मालूम नेपाल के गाना इंडिया के गाना वहाँ का गाना यहाँ का डांस या कुछ नहीं मालूम बट दे वर एंजॉइंग विदाउट एनी थिंग. चलो करेंगे करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ग्लोबल हार्मनी का फर्स्ट ओपनिंग. जैसे बोलते ना ओपनिंग में ओपनिंग क्रिकेट में ओपनिंग फर्स्ट बॉल में सिक्सर मारो तो आज के प्रोग्राम सिक्सर मार दिए बच्चों और आयसनी ग्रुप ने पक्का डेफिनेटली चिल्ड्रन बहुत ही अच्छा था. एंड ऑफ कोर्स मैंने आगे का डांस तो देखी नहीं है लेकिन मुझे आई एम श्योर कि 100% हो एक इतने सारे चावल में भात जब बनता है तो एक चावल देख एक दाना पकने से पता लग जाता है कि बाकी दाना पक गया कि नहीं. तो शुरू में हमें समझ में आ गया कि वो दाना अच्छे से पक गया तो फ्यूचर का बहुत अच्छा रहेगा ये. एंड उससे बढ़कर मैं जब आई ऐसा नहीं लग रहा था व्हेन आई सॉ दैट टू चिल्ड्रन वर कंपेयरिंग आई डोंट नो दैट देम यंग द टू चिल्ड्रन फैंटास्टिक कंपेयरिंग रियली रियली अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ओनली बिकॉज द चिल्ड्रन दे देमसेल्व्स कैन नॉट कम यू हैव टू ग्रूम. आप लोग ने बड़े लोग ने ग्रूम ने किया होगा तो बच्चे आएंगे नहीं. सो द सराउंडिंग्स द एनवायरमेंट एवरीथिंग काउंट्स एंड ग्लोबल हार्मनी का जो थीम है रियली एंड आज के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल. एंड नो आई एम श्योर कि आज अपनी फ्यूचर जनरेशन में अपने ग्लोबल अपने वर्ल्ड अपने अर्थ सही हैंड्स पे ही जा रहा है. मतलब यंग जनरेशन में सही जगह पे जा हमसे भी बढ़कर वो लोग इसको एकता को जरूर लाएंगे. राइट चिल्ड्रन राइट या इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि ये आर्ट जो चीज है यहाँ आपको सब लोग पढ़ाई करते हैं सब कुछ करते हैं एवरीथिंग है. छोटी सी मेरी है एज एल्डरली पर्सन मैं कुछ बताना चाहूंगी. मैं आर्ट एजुकेशन में आर्ट आर्ट में एजुकेशन दो चीज होती है दोनों सिमिलर ही है. टू बी फ्रैंक एजुकेशन में आर्ट आर्ट में एजुकेशन. आज ये बच्चे जब तबला बजा रहे थे गाना गा रहे थे सब लोग कर रहे थे तो गाना तो गाए ताल भी किए दादिन दिन दा दादिन दिन ना ना दिन दिन सब किए लेकिन वो करते करते ही उनके कैलकुलेशन उनके काउंटिंग्स उनके रिदम उनके जो पॉइंट पॉइंट हैं दैट इज रियली इट इज मैथमेटिक्स है ना. वो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो काउंटिंग है लेकिन वो जब उन्होंने जो म्यूजिक के मार्ग जो सिखाए वो दिस इज वो तबला सिखाते समय उनका एजुकेशन उससे लिंक हुआ है. एजुकेशन नॉट नेसेसरी कि यू स्टैंड ब्रश योर टीथ हेयर योर टीथ दैट इज तो नॉर्मल होता है. एजुकेशन ऐसी होती है कि बच्चे जब डे टू डे में करते आज ये दो बच्चे कंपेयर कर रहे हैं कैन यू बिलीव हमारे जगह पे तो हम लोग डर बा के भागते थे उस देख सेठे डरते थे अरे क्या बोल्डली व्हाट रियली बिंदा स्टैंड खड़े होकर कमांड में करते थे. मतलब सल्यूट करने की इच्छा हो रही है यानी आज के फ्यूचर जनरेशन अपने यंगस्टर्स के हाथ में जरूर जाएगा तो आज के से बढ़कर आप लोग ला सकते हैं बेटा श्योर एंड यू आर बोल्ड अस रियली अप्रिशिएट. मैं चौक होगी आप लोग जब कंपेयर कर रहे थे डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट एंड टीचर्स डेफिनेटली. बच्चे तो खुद तो नहीं कर पाएंगे पीछे टीचर तो रहेंगे ही है लेकिन वो टीचर्स के नाम बोलने के लिए बच्चों को बोले तो टीचर खुद ही खुश हो जाते हैं. जैसे बच्चों को बोलते माँ खुश होती है तो ऑटोमेटिकली इट इज एप्लीकेबल है. ये मैं एक चीज चाहूँगी मैं आपको साथ बहुत आई बहुत बहुत बोलना तो चाहती हूँ मैं लेकिन नहीं ये भी नहीं चाहती कि मैं डांस खुद देखने भी चाहती हूँ. मैं एक चीज़ मैं कि आप लोगों का ये जो एजुकेशन साथ साथ आप आर्ट भी सीखो आर्ट के साथ साथ एजुकेशन भी सीखो एजुकेशन भी होना चाहिए. कई लोगों का ये भी कहने का है कि एजुकेशन में कई बच्चे कम मार्क्स लेते हैं ज़्यादा मार्क्स लेते हैं तो उनको थोड़ा सा अरे हमें नहीं आता क्या सोचते हैं. फिर हम लोग उनको बूस्ट करने के लिए कई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं
बच्चों को तो एक एक दिन एक एक में शाइन होते हैं, एक तो म्यूजिक में, एक में डांस में, किसी में ये हैं, तो कोई ना कोई आज बहुत सारा आज ये वाला टॉपिक भी निकल के आ रहा है। नहीं, मेरे बच्चे पढ़ाई तो अच्छी है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे जाओ। हाँ, ये 100% सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सबके लिए बेसिक एजुकेशन है। अब भले कोई भी करो, या प्यार ये बजाओ, या फिर म्यूजिक गाना, म्यूजिक के लिए ताल होना, ताल के लिए मैथमेटिक्स होना, मैथमेटिक्स से तुमको आपको कैलकुलेशन ना, अगेन एजुकेशन। अब डांस करेंगे तो डांस में आप कुछ एक्शन दिखाना पड़ेगा, उसमें भी ताल रहेगा, एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एजुकेशन क्या है कि महाभारत रामायण स्टोरी के बारे में सुनना पड़ेगा। देयर ऑल्सो कम्स एजुकेशन। एजुकेशन इन डिफरेंट डिफरेंट वे में आता है, बट एजुकेशन इज कॉमन। तो मैं यही कहती हूँ बच्चों को कि एजुकेशन को लाइट मत लो, लेकिन ये नहीं कहती कि आप लोग कोई इंजीनियरिंग बनेंगे वो बना है, लेकिन एजुकेशन से बेसिक कोई भी कला सीखो तो बेसिक नॉलेज वैसे होता है। हमने बहुत बहुत पहले हमने एक डांस किए थे, उसमें ऐसे थे कि उसमें ऑडियंस में से कोई भी, हम नेक्स्ट टाइम आपको, हम आपके मैडम को बताएंगे, आप अपने स्कूल में करो और मैं आके देखूंगी। शेयर वो मैथमेटिक्स है, जैसे बच्चे 16-16 चिल्ड्रन विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड विल बी डूइंग डांस। ऑफकोर्स माइंड इज भरतनाट्यम, सो माई चिल्ड्रन वर डूइंग भरतनाट्यम, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो सडनली म्यूजिकल चार, जैसे म्यूजिक चलते ही रहेगा, इमिडिएटली वी कॉल समवन, कम ऑन टेल मी एनी इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, सॉरी 36 to 100, एनी 36, 38, 40, एनीथिंग। सो ऑडियंस में से कोई भी एक दो नंबर बताएंगे, 48 और 50, 52, एनी। तो वो बताते बताते एक बच्ची वहाँ से नंबर लेके ऐसे ही जाएगी, देन इमिडिएटली वी स्टार्ट ये बोलते ही बोलते ही स्टूडेंट्स लोग ताकत जुम तरी ये एक्शन करते करते ही ऐसा फॉर्मेशन करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। सबका नंबर रहेगा और सब लोग अपने नंबर में 5 मिनट पर खड़े हो जाएंगे। आप फिर एक पोस्ट में, जो भी पोस्ट में, ये पोस्ट में, ये पोस्ट में खड़े हो जाएंगे और आप वर्टिकल में ऐसे भी कौन करो, ऐसे भी कौन करो, जो ऑडियंस पर जो नंबर बला वो रिजल्ट विल गेट। दिट इज मैथमेटिक्स, सिंपल है ना। ये इसके कहने का मतलब उन्होंने डांस भी किया, डांस करते करते ही उनको ये अच्छा भी लगा मैथमेटिक्स का। हाँ, ये दिस इज जस्ट है। और एक छोटी चीज है, मैं एक चीज बताना चाहूंगी मैं एक, कि सब लोग स्मार्ट होते हैं ये खुद के खुद मालूम होने चाहिए आपके। में एक मेरी बहुत साल के पहले में एक छोटा सा रिकलेक्ट करना चाहती हूँ मैं, मेरी 90s है शायद, तो उस टाइम पे मेरी एक छोटी सी बालिका, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, फैर लुकिंग, छोटी सी बालिका 3-4 साल की होगी, वो मैं जब डांस कर रही थी वो आ रही थी मम्मी के साथ, ऊँ करके रोते रोते आ रही थी डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए। उसको देखते ही बराबर मुझे पता लग गया कि शी इज टैलेंटेड, टीचर को तो पता लगता ही है, लेकिन शी वॉज क्राइंग, शी वॉज एडमेंट, शी वॉज नॉट नोइंग दैट कि उसको क्या आता है, लेकिन एज ए एल्डरली पर्सन मुझे मालूम है कि इस बच्चे को क्या कर सकते हैं। फिर वो ना 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 हमेशा मेरे को देखते ही डर डर, एक सॉर्ट ऑफ फियर ऐसा कुछ भी, बिकॉज आई यूज टू शाउट नेचुरल स्टूडेंट्स लोगों को। तो वो आई, उसके बाद डांस उसके बाद मेरे पास सीखी वो, तो फिर वो छोटे छोटे सीखने के बाद उसको खुद को वो डांस करते करते पहले थोड़ा मस्ती करती है, बट शी वॉज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी वेरी बोल्ड डारिंग। लेकिन ये ऐसे टीचर मुझे पता था कि वो लड़की जरूर एक दिन आएगी वो, लेकिन डारिंग है, मस्ती करेगी, सब मस्ती, सब मस्ती बटी सब है, टीचर को देखने से ऐसा डर, ऐसा वो घबरा जाएगी वो, लेकिन बाकी सब एवरीथिंग बट। लेकिन मुझे मालूम था उसे खुद के दिमाग में शी इज वेरी ब्रिलियंट, वन डे नहीं तो वन डे जरूर आएगी वो। थोड़ा बढ़ते बढ़ते थोड़े दिन बड़े होने के बाद डांस में ऑटोमेटिकली खुद का कोरियोग्राफी, खुद का डांस, खुद का, हम चौक हो गए, मैं खुद ही होगी वही है कि छोटी, बड़े होते ही बराबरी उसका डेवलपमेंट्स डांस के अलावा भी और भी कहीं था। एजुकेशन आई डोंट से कि बहुत इन्हें
डायरिंग मेरे पास आती है ऐसा नहीं है, बट अंदर ही अंदर बहुत ब्रिलियंट गर्ल है। चुपचाप अपने काम से वो अपना अपना करके वो डांस में जितना कमाई उतने एकेडमिक पे भी एजुकेशन में भी कमाई वो, तो शी इज नन अदर देन योर डायरेक्टर मिसेस जयश्री बाके। शी इज अ वेरी गुड भरतनाट्यम डांसर, बेस्ट डांसर। शायद आप लोग उनको आपको डायरेक्टर के मैडम भी जानते हैं। मैं उसको इतना अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा करती है कि मैं इसीलिए की तारीफ नहीं करी क्योंकि वो बताते नहीं, ब्यूटीफुल डांसर, वेरी सब में अलंकार का तक हो गया, थोड़ा सा बाकी तब तक उसके एकेडमिक में चला गया, एंड ब्रिलियंट कोरियोग्राफी, ब्रिलियंट। अब उसके एकेडमिक भी है, तो मैं ये क्यों बता रही, एक इंसान में सब कुछ हो सकता है, आप खुद को खुद लाने, आपके डायरेक्टर मैडम ही आपके लिए आपके एग्जाम्पल है, क्या लाए। तो बेटा सब जैसे आप इसमें हैं कंपेयरिंग में फैंटास्टिक, गाने वाले फैंटास्टिक, तबला और आगे में डांस भी देखेंगे, और बहुत ज़्यादा मैं लूँगी तो बोलती रहूँगी मैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं खुद डांस देखना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। वन सेकेंड, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी जयश्री एंड टीम, एंड वन सेकेंड थैंक यू किड्स, थैंक यू सो मच। Enriching and fruitful for us, isn't it, audience? A huge round of applause for Meera ma'am once again. रंगत नहीं आई यहाँ, संगत जो मिली आपकी, नया नूर सा फैल गया, सोबत जो मिली आपकी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक हमने सुना है और आपकी एक एक बात को हम शब्द सा पालन करेंगे ऐसा। फॉर डांस, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। आई कैन हियर द वॉइस, where that claps and that voice, cheer up guys, cheer up, I know it's a pretty beautiful bird, but where does it belongs to? I don't know. How come you don't know? It belongs from Nepal. Nepal is famous for the beauty of nature and hilarious areas. So now I request our young dancers to kindly show us the multi-ethnic culture of Nepal. Gajab sa nasu basaida la 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 la